Anybody else? In December 2022 you began and 2024 will be your first attempt. ठीक है, परफेक्ट. भावना से स्टार्टेड फ्रॉम दिसंबर, परफेक्ट. सो सबसे अच्छी बात क्या है कि वी ऑल आर हेयर फॉर 2024. सो 2024 इज आर प्लान कि हमने 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट देना है. नाउ माई सेकेंड क्वेश्चन, वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड वॉट इज योर थॉट प्रोसेस. यू ऑल हैव कम फॉर एंथ्रोपोलॉजी, राइट? माई सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, वाई डिड यू चूज और वाई आर यू थिंकिंग अबाउट एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल? कोई रीजन है क्या? आप लोगों ने एनालिसिस किया है एंड वाई विद दैट एनालिसिस नाउ यू आर एट अ स्टेज वेर यू थिंक एंथ्रोपोलॉजी इज अ गुड चॉइस? वॉट इज द रीजन मैम? आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखते हुए शायद कॉमर्स एक ऑप्शन बनती थी. एंथ्रोपोलॉजी इसलिए चूज किया मैम आपने? कोई स्पेसिफिक रीजन? कोई बायोलॉजी आपको काफ़ी इजी लगता होगा, तो बायोलॉजी क्योंकि इजी है, बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी जनरल हैं, तो आपके लिए ये एक सूटेबल ऑप्शन बनता है. हाँ जी सर, मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे. यार अच्छा, मुझे एक बात बताओ. अच्छा बिफोर वी मूव अहेड, सर आपका नाम क्या है? अमितोज. सर व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? लास्ट ईयर. योर फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इन विच ईयर? 24 will be your first attempt. Perfect. अच्छा, somebody is writing, sir, biology background है and I read a few chapters and I found them very interesting. It's a very diverse subject. जब भी हम कोई भी optional choose करते हैं, बोलते हैं ना, like if you talk to a lot of toppers, if you talk to anybody, हम बोलते हैं कि यार optional choose करना बहुत important है, अच्छा optional choose करना बहुत important है. Why do you think optional is very important? How can it change the game? टारगेट कर सकते हो, राइट? अगर हम वैसे मेंस का सिस्टम लगा के चलें तो कितने जीएस के सब्जेक्ट हैं? चार, है ना? चार तक पहुंचते हैं, एक से लेके चार तक कहानी पहुंचती है, फिर आता है एसए, फिर आता है ऑप्शनल. ये चार मिला के कितना स्कोर बनता है, है ना? ये और ये अकेला. क्यों ऑप्शनल की थोड़ी सी रेलिवेंस समझते हैं. बेसिकली हमने अप्रोच कैसे करना है एंथ्रोपोलॉजी को, और आज अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पर डिसाइड कर रहे हैं तो हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प अस? एंड गोल क्या है हम सबका? हम सब लोग क्या करने आए हैं यहाँ पे? वॉट आर वी हेयर फॉर? वी आर हेयर टू क्रैक दी यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन. सो जब हमने यूपीएससी आईएएस का गोल रखा हुआ है तो हमने ऑब्वियसली अकेले ऑप्शनल को भी नहीं, मैं बोल सकता ना कि सिर्फ ऑप्शनल कर लो बाकी सब छोड़ दो क्लियर हो जाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल. तो मेरे लिए समझना ये जरूरी है, आप लोगों को समझाना जरूरी है कि हर कॉम्पोनेंट का अपना एक फायदा, अपना एक नुकसान है. हर कॉम्पोनेंट के अंदर एक ईजी चीज़ है और एक थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है. इन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते. यहाँ पे आपके पास डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, ये तो है, सबके लिए सेम होने वाला है ना. पेपर जैसा आएगा वो सबके लिए आएगा. यू कैनॉट डू एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू जीएस, यू कांट डू एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू एसए. इनकी तैयारी जैसे सब लोग कर रहे हैं आपको वैसे ही करनी पड़ेगी. द ओनली थिंग दैट यूपीएससी गिव्स यू एन ऑप्शन विद इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. अब ऑप्शनल में गेम कैसे चेंज होती है? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टॉकिंग टू डॉक्टर आदित्य जो रिसेंटली अभी रैंक 70 लेकर हटे हैं. सो उन्होंने बड़ी अच्छी एक इनसाइट दी. बोलते सर हमने जो कॉपर टॉपर की कॉपीज और जो स्कोर्स एनालाइज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, पिछले साल के भी जो एनालिसिस कर रहे थे उसमें उन्होंने बताया कि सर फॉर एग्जांपल जैसे जीएस का हम पेपर देते हैं 1000 नंबर का है, 1000 में से ना अगर आप एवरेज स्कोर देखो जो अच्छे आंसर्स के बावजूद बनता है ना, वो 450 के आसपास बन जाता है, राइट? अच्छे स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मतलब बहुत ही बुरा स्कोर, मैं अच्छे स्कोर की बात कर रहा हूँ. 450 के आसपास बन सकता है, 400 के आसपास बन सकता है, अगर बहुत ही एक्सेप्शनल है तो 500 के आसपास बन सकता है. इससे बियॉन्ड जाना बिकम्स वेरी 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 डिफिकल्ट, पॉसिबल नहीं होगा. आप अगर परेटो प्रिंसिपल लगा के देखो ना, ये वाली जो बेल कर्व होती है, आपको मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर 400 टू 450 की रेंज में दिखते हैं, राइट? तो मतलब अगर हम पॉपुलेशन देखें और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें ना, तो 80% लोग इस ब्रैकेट में होंगे. तो 80% लोगों के साथ आप भी होगे कहीं ना कहीं. इफ यू आर एक्सेप्शनल यू विल बी स्लाइटली अहेड, इफ यू आर बिलो एवरेज यू विल बी स्लाइटली
on this side, on the left side. But mostly, let's take an example, आप यहाँ 80% लोगों के बीच में हो गए, 400 से 450 के नंबर के बीच में. अब यहाँ पर इसके बावजूद ऐसे अगर आपका GS एवरेज है तो ऐसे भी मोस्ट लाइकली आपका एवरेज ही होगा, बहुत आप एक्सेप्शनली बढ़िया नहीं हो सकते ऐसे में. तो GS जैसा है वैसा कहीं ना कहीं ऐसे भी होगा. गेम कहाँ पर चेंज होने वाली है सारी की सारी, यहाँ पर. अब क्योंकि ऑप्शनल ने गेम चेंज करनी है, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी लुक एट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग क्या करते हैं, सर लास्ट ईयर एक टॉपर ने बोला था एंथ्रोपोलॉजी बहुत स्कोरिंग है इसलिए मैंने स्कोरिंग सब्जेक्ट उठा लिया. सर UPSC की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी, UPSC एनुअल रिपोर्ट में बोला कि सबसे ज्यादा चूज किया गया ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी है इसलिए हमने भी चूज कर लिया. इट्स गुड दैट यू हैव सिलेक्टेड एन ऑप्शनल. आपने थोड़ा रिसर्च करी होगी, मैं मान के चल रहा हूँ आपने पढ़ा लिखा होगा इसके बारे में, बट अदरवाइज ये एक सही तरीका नहीं है ऑप्शन को चूज करने का, राइट? अगर आपने आज ये तरीका यूज करके ये सिलेक्ट किया है ऑप्शनल, लेट मी टेल यू इसके अंदर कुछ चीज़ें और कर लेना फिर, अगर आपकी रिसर्च अभी पूरी नहीं हुई. फॉर एग्जाम्पल, गो बैक एंड लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से पहले गो बैक एंड लुक एट द सिलेबस ऑफ वॉट एवर ऑप्शनल यू वॉन्ट टू चूज, राइट? सिलेबस देखा है हमने किसी ने? सबने देखा है, वंडरफुल. क्या सिलेबस में देखने को मिला? क्या ऐसा लगा कि बाकी सिलेबस जो थे डिफरेंट ऑप्शंस के उनसे कुछ डिफरेंट देखने को मिला एंथ्रोपोलॉजी में? कुछ आप ऐसा कर पाए, कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऐसा बना पाए, ओके यार मैंने ये सब्जेक्ट्स का देखा था और मैंने एंथ्रोपोलॉजी का देखा, दिस इज वेयर आई फाउंड अ डिफरेंस, ऐसा कुछ देखने को मिला किसी को? एनीबडी, एनी टेक अवे पॉइंट फ्रॉम एनीबडी? एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल द क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो हैव टू आंसर. सो रजनीश, मानसी, फैज, भावना, अनन्य, अक्षिता, आप सब लोग भी आंसर करिए चैट बॉक्स के अंदर. ट्राइबल्स एंड कल्चर्स के ऊपर फोकस देखने को मिला, एनीथिंग एल्स? ऑल्सो रिपीटिंग, वेरी गुड, अच्छा एनालिसिस है. एनीथिंग एल्स? आपने सर क्या देखा सिलेबस के अंदर? आपको क्या लगता है वैसे बायोलॉजी का जो कंपोनेंट है इसमें, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोल देते हैं उसको, है ना? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का कितना बड़ा कंपोनेंट है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर? अबव 50% बायोलॉजी नहीं है इतना. देखो हर एक ऑप्शनल में ना दो चीजें हैं ना, पेपर वन है और पेपर टू है, है ना? मुझे ये बताओ एंथ्रोपोलॉजी अगर आपने सिलेबस पढ़ा है, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ रेड यू आर. इन दोनों पेपर में से फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कौन से पेपर में? पेपर वन में. एवरीबडी नोज दिस. अभी हमने देखना है सिलेबस, जस्ट मैं एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कुछ बात कर रहा हूँ. उसको बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोल देते हैं या फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोल देते हैं. पेपर वन का पार्ट है वो, है ना? पेपर वन में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 12 चैप्टर्स हैं. 12 चैप्टर्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक क्या है? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, है ना? तो इतनी ज़्यादा बड़ी ये कंपोनेंट नहीं है, राइट? इतना बड़ा कंपोनेंट नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि भाई 9 to 12 बहुत कम है. नहीं, 9 to 12 में काफ़ी डिटेल में चीज़ें मैंशनड हैं. तो एक चीज़ जो आपने अगर सिलेबस देखा है ना आपने एंथ्रोपोलॉजी का, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, पहली चीज़ जो नोटिस करी होगी वो ये कि सर एक तो सिलेबस ना काफ़ी लेंदी दिखता है, राइट? वो लेंदी नहीं है, इसको ना ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ेंगे हम जाकर, राइट? आज क्योंकि ये बेसिक इंडक्शन है, आज बेसिक इंट्रोडक्शन है, आज हमने कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ नोट्स नहीं बनाने, आज हमने ब्रीफ ओवरव्यू लेना है सिर्फ, राइट? तो आज हम बहुत ही एक बेसिक डिस्कशन के लिए आए हैं कि हम समझें कि फ्लेवर कैसा होने वाला है अगले 4, 4.5 महीने का. फ्लेवर क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या चीज़ें होने वाली हैं उसको डिस्कस करना है हमने. पहली चीज ना, सिलेबस आपको इनिशियली थोड़ा सा लेंदी दिख सकता है, बट ये जो लेंदी सिलेबस है ना यही ब्यूटी है एंथ्रोपोलॉजी की. क्यों? क्योंकि एक ये सब्जेक्ट है UPSC में जिसमें आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली कि हर एक चीज जो सिलेबस में होनी चाहिए थी वो UPSC ने बहुत ब्यूटीफुली मेंशन करी हुई है. इसकी वजह से फायदा क्या हो रहा है हमें, आप 2013 से लेकर 2021 तक के पेपर देख लोगे अगर प्रीवियस ईयर, आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली सिलेबस में से उठ के आए हुए हैं, राइट? ये ब्यूटी है एंथ्रोपोलॉजी की. जो सबसे बड़ा
पॉजिटिव पॉइंट एंथ्रोपोलॉजी का, आपने एंड ऑफ द डे करना क्या है, सिलेबस को टारगेट करना है. अगर इफ यू आर एबल टू डू जस्टिस टू द सिलेबस, स्कोर इज गोइंग टू बी वेरी इजी. सबसे पहली बात. दूसरी बात, जो एक प्रॉब्लम है सिलेबस के साथ, जिस तरीके से सिलेबस मेंशनड है ना, दैट इज अ लिटिल हैपहैज़र्ड. वो इतने अच्छे से मेंशनड नहीं है, राइट. फॉर एग्जांपल, लेट मी टॉक अबाउट अ फ्यू मोर थिंग्स. थोड़ी सी बातें करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो एंथ्रोपोलॉजी की आज डिस्कशन कर रहे हैं, तो बिफोर आई गो बियॉन्ड द सिलेबस वेयर आई विल डिस्कस अ फ्यू टेक्निकल थिंग्स, कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. पहले तो एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है. मैम, आप क्योंकि बीकॉम बैकग्राउंड से हो, आई विल गो बैक टू दिस एरिया एंड देन आई विल आस्क यू कि मुझे थोड़ा सा आप समझाइए एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है. इट इज द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस. एनीबडी एल्स? स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इन सोशियो कल्चरल एंड बायोलॉजिकल एरियाज. ठीक है, एनीबडी एल्स? सर, आपके माइंड में कोई डेफिनेशन आ रही हो एंथ्रोपोलॉजी के लिए? सो बायोलॉजिकल, फिजिकल, और वो सेम ही चीजें होगी वैसे दोनों, बायोलॉजिकल, फिजिकल, और साथ में आपने बोला सोशियो कल्चरल. यार देखो, एंथ्रोपोलॉजी को ना अगर सबसे लेमैन टर्म्स में आज हम डिफाइन कर देना, मतलब बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना हो, हम सब क्या हैं और एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ह्यूमंस की स्टडी, राइट. सो एंथ्रोपोलॉजी जो शब्द है उसको ही आप दो शब्दों में तोड़ सकते हो, एंथ्रोपोस प्लस लोगोस, राइट. एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है, ह्यूमंस, और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी. तो यहां पर हमने करना क्या, बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी में हमने ह्यूमंस को स्टडी करना है, अपने आप को स्टडी करना है. बट देन अपने आप को स्टडी करते हुए अपने बारे में क्या क्या स्टडी करना है, वो इंपॉर्टेंट है समझना. फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने आप को स्टडी करना है तो ये भी स्टडी करना पड़ेगा कि भाई आज मैं जो हूं, वट एवर वी आर टूडे, हम आज कैसे यहां तक पहुंचे, हम इवॉल्व कैसे हुए हैं. एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ना कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है, ना ही कोई टाइम की लिमिटेशन है. मतलब ना तो ज्योग्राफी हमें बांध सकती है, ना ही टाइमलाइन हमें बांध सकती है. मतलब ह्यूमंस इवॉल्व कैसे हुए हैं, ये पूरी दुनिया की कहानी हमें समझनी है, राइट. नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया. ऐसा नहीं करना कि ज्योग्राफी लिमिटेड टू इंडिया रख दी और फिर समझा, नहीं. हमने वर्ल्ड लेवल के ऊपर इसको लेकर चलना है. दूसरा, टाइम इज ऑल्सो अनलिमिटेड. भाई जिस टाइम से दुनिया में रॉक फॉर्मेशन भी नहीं हुई, उस टाइम पे क्या एग्जिस्ट कर रहा था, उस टाइम से लेकर टिल टुडे हम किस लेवल पर हैं, किस तरह से ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, किस तरह से इनकी रिलेशनशिप्स इवॉल्व हुए हैं, किस तरीके से फैमिलीज इवॉल्व हुई हैं, किस तरीके से किनशिप इवॉल्व हुई है, किस तरीके से कास्ट सिस्टम इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से बायोलॉजिकली हम लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स इवॉल्व हुए हैं, एवरी थिंग वी विल हैव टू कवर विद रिस्पेक्ट टू एंथ्रोपोलॉजी, राइट. सो हमने हर एक आस्पेक्ट को पढ़ना है कि कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, कैसे ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं. हमने सोसाइटीज को भी डिफरेंशिएट करना है, कंपेयर करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूँ कि एक सोसाइटी यहाँ पर यूएसए के अंदर एग्जिस्ट करती है, ऐसी एक सोसाइटी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, तो इन दोनों सोसाइटीज जो डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफीज में एग्जिस्ट करती हैं, एट द सेम टाइम इनके बीच में कंपेरिजन भी करने होंगे हमें. फॉर एग्जाम्पल, वाइल डूइंग द कंपेरिजन वी विल नेवर से, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कभी नहीं बोलेगा कि यूएसए की सोसाइटी अच्छी है या बुरी है, या फिर इंडिया की अच्छी है या बुरी है. दैट इज नॉट वॉट एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स डू, राइट. हमने ये नहीं करना कि हमने बोलना है ये अच्छा करते हैं वो बुरा करते हैं, वो हमारा काम नहीं है. हमने सिर्फ कंपेरिजन करना है, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, राइट. अब मैरिजेस में कोई सोसाइटी हो सकती है पॉलीगैमी में बिलीव करती हो, कोई सोसाइटी नहीं करती हो. हमने ये नहीं बोलना कि पॉलीगैमी बुरी चीज़ है, बट अगर कोई पॉलीगैमी के अंदर इंटरेस्टेड है, कोई पॉलीगैमी को फॉलो कर रहा है, तो पॉलीगैमी की वजह से क्या डिजीजेस पैदा हो सकते हैं, उसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है, उससे कल्चरल चेंज कैसा आ सकता है, उससे सोसाइटल चेंज कैसा आ सकता है, वो हमें ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, राइट. सो हमने हर चीज़ को, हर आस्पेक्ट को उसके अंदर लेके चलना है. सो फॉर एग्जाम्पल, मानसी सेइंग्स, स्टडी ऑफ एवरी आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इंक्लूडिंग सोसाइटी,
कल्चर वेरी गुड, पॉलिटिकल एंड बायोलॉजिकल एटसेट्रा वंडरफुल, आपने थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बता दिया। स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, द टर्म ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट, नेचर, बिलीफ सिस्टम, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने करनी है। सो अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी में इफ़ यू टॉक अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, तो ये क्या है, एंथ्रोपोस और लोगोस, मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स इन पास्ट एंड इन प्रेजेंट। साइंटिफिक स्टडी क्यों बोल रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी क्यों बोल रहे हैं हम लोग, इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस, इट इज बेस्ड ऑन साइंस, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड समझेंगे हम। अगर इवॉल्व पढ़ना है, हमने कुछ इवॉल्व हुआ है, तो उसके हम प्रॉपर एविडेंसेस देते हुए चलेंगे कि ये एविडेंस है कि ये इवॉल्व हुआ है, राइट। हमने हवा में बातें नहीं करनी, राइट। सो हम हर चीज का एविडेंस देते हुए चलेंगे कि भाई हम इवॉल्व हुए हैं। इट इज ए डिसिप्लिन अबाउट इनफाइनाइट क्यूरियोसिटी रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। बोला जाता है, पीपल से दैट एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर नथिंग बट पीपल हु आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। चुगली, हम लोग चुगली करते हैं ना, बातें करते हैं, हम भी सब चुगलीखोर बनने वाले हैं फॉर नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, राइट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेसिक क्या करते हैं, गॉसिप करते हैं भाई ह्यूमन बींग्स पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, अब क्या करते हैं। वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, तो अब सोसाइटी कैसे बदल रही है, फैमिली सिस्टम किस तरह से बदल रहा है, मैरिज कैसे इवॉल्व हो रही है, तो हम समझेंगे कि भाई ये चीज़ें आज एग्जिस्ट करती है। अगर 2023 में भी मैरिज एग्जिस्ट कर रही है, तो मैरिज का कोई तो पर्पज़ होगा ना, वाई इज़ मैरिज स्टिल एग्जिस्टिंग, इसको समझना पड़ेगा कि मैरिज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका फंक्शन क्या है सोसाइटी में। अगर मैरिज हट जाए तो सोसाइटी किस तरीके से चेंज हो सकती है, हमें यह भी समझना पड़ेगा। वी विल टेक अलॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक हरियाणा का, मैं आई वॉज गोइंग थ्रू वन आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ था द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग ताश, प्लेइंग कार्ड्स इन हरियाणा। लोग क्या करते हैं हरियाणा में, जो लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर इकोनॉमी में इन्वॉल्व हैं, वॉट दे डू इज सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, राइट, 9-10 बजे तक खाना पीना खा के सब कुछ, दे विल गो, और जहाँ पर लोकल पूरे विलेजेस में आप देखते हो एरियाज होते हैं जहाँ पर सब लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, वहाँ पर जाके 3-3, 4-4 घंटे ताश खेलते हैं सब लोग। ये भी पढ़ेंगे हम कि यार अगर वो ये चीज़ कर रहे हैं तो वो ताश खेलना क्या उस सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वॉट डू यू थिंक, क्या फ़ायदा हो रहा है उनको उस ताश खेलने से। एविडेंस ये बोलता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या कि ये रिसर्च करते हैं कि भाई अगर वो ये कर रहे हैं उसकी वजह से उनकी मैरिजेस जो हैं वो सस्टेन करती हैं। अगर वो, क्योंकि एग्रीकल्चर में फुल डे का काम नहीं होता, राइट, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, तो अगर पूरा दिन मेल मेंबर घर पे रहेगा तो मैरिजेस के अंदर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, राइट, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, मैरिजेस टूट सकती हैं, तो सोसाइटी को चलाने के अंदर ये भी तो एक फंक्शनलिस्ट अप्रोच होगी ना फिर, तो हमने ऐसी चीज़ें भी समझनी होंगी इसमें। हम ये भी समझेंगे इसमें कि भाई रिलीजन की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम रिलीजन को समझेंगे कि भाई ह्यूमंस रिलीजन को समझते हैं, मानते हैं, कोई बोलता है मैं नहीं मानता, तो जो सोसाइटीज मानती हैं वो किस तरीके के रिलीजन को मानती हैं। अगर कोई रिलीजन है तो वो रिलीजन पैदा कैसे हुआ है, वो बना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, डज एनीबडी नो कि रिलीजन पैदा कैसे हुआ, एनीबडी, किसी को कुछ आइडिया है कि रिलीजन कैसे आया। सो यू सेड कि रिलीजन सर आया ताकि डायरेक्शन दे सके हम, वो रिलीजन की नीड है, वो रिलीजन का काम है कि हम एक डायरेक्शन दे सकें, बट रिलीजन आया कहाँ से, किसी ने तो सोचा होगा ना कि यार कुछ तो है, कुछ तो चला रहा है दुनिया को, है ना, किसी ने ऐसा तो सोचा होगा ना, तो रिलीजन कहाँ से पैदा हुआ। मेंशन इन वेदास, सीधा वेदास में आ गया, किसी के माइंड में ख्याल तो आया होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये भी डिस्कस करना है कि रिलीजन आया कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ जगहों पर ये मैंशनड है चीज़ें, कि पुराने टाइम में जब रिलीजन एग्जिस्ट नहीं भी करता था, उस टाइम पे क्या होता था, अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तहस नहस हुए, लोग मरे, लोग क्या, जो उस टाइम पे जो इवॉल्व इस लेवल पे नहीं थे जिस लेवल पे हम आज इवॉल्व हैं। सो पीपल हु वर लिविंग एट दैट टाइम इन दोज लोकेशंस, दे फेल्ट के आर somebody is angry, we are doing something wrong, हमसे कुछ गलती हुई है इसलिए इतनी बारिश हुई है, अगर हम ये गलती ना करते शायद बारिश ना होती। सो कोई शायद है जो दुनिया को चलाता है, क्योंकि वो हमसे नाराज है इसलिए उसने बारिश कर दी, इसलिए उसने इतनी गर्मी कर दी कि हम सब लोग, फसल नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, सब कुछ सूखा पड़ गया, पानी नहीं है। शायद कोई ऐसा है जो हमारी दुनिया को चलाता है, वो हमसे नाराज है। इस पूरे सिस्टम से धीरे धीरे रिलीजन निकल के आया।
फिर हमने देखा रेन गॉड्स की वर्शिप होनी शुरू होगी, है ना, सन की वर्शिप होनी शुरू होगी. रिलीजन धीरे 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 ऐसा बन गया. बट एंथ्रोपोलॉजी में, वाई एंथ्रोपोलॉजी इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम रिलीजन को एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं पढ़ रहे कि भाई रिलीजन ये है, रिलीजन ऐसा होता है, रिलीजन वैसा होता है. हम ये पढ़ रहे हैं कि रिलीजन इवॉल्व कैसे हुआ है, रिलीजन बना कैसे है. फिर जब हम रिलीजन पढ़ेंगे, इसको और इंटरेस्टिंग क्या बनाता है इसके साथ, रिलीजन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं बट आप लोग मानने से इनकार कर देते हो. फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, बिल्कुल करता है. विचक्राफ्ट एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है. ट्राइबल एरियाज के अंदर आज भी एग्जिस्ट करता है. तो हमने ये भी पढ़ना है, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है. सो ऑल दिस गॉसिप अराउंड ह्यूमंस वी आर गोइंग टू स्टडी इन एंथ्रोपोलॉजी. सो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बिलीव मी, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सब्जेक्ट आपको ऐसा लगा कि यार मुझे सब पता है दुनिया में कैसे क्या होता है ना, वाई वी आर लाइक दिस, वाई द वर्ल्ड इज लाइक दिस. यू विल से कि मुझसे पूछो, आई विल टेल यू, राइट. उस लेवल पे आप पहुंच जाते हो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एंथ्रोपोलॉजी प्रैक्टिकली ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रूट्स. बहुत फायदे एंथ्रोपोलॉजी के हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि साइंटिफिक पोर्शन है, साइंटिफिक पोर्शन में आप अगर बहुत अच्छा एक्सप्रेस नहीं भी कर पाते, बट इफ़ यू आर एबल टू राइट की पॉइंट्स, वहाँ पे आपके स्कोर्स जो हैं वो बन जाते हैं, राइट. सो अगर आपकी राइटिंग या अगर आपकी राइटिंग की कैपेबिलिटी, एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी बहुत अमेजिंग भी नहीं है, इवन देन यू विल बी एबल टू ऑब्जेक्टिवली स्कोर गुड मार्क्स. सेकेंड, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी रेलिवेंट टू द मॉडर्न सोसाइटी एज वेल, मॉडर्न दुनिया के लिए भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है. एंड जीएस के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त ओवरलैप आपको देखने को मिलेगा, राइट. ओवरलैप किस सब्जेक्ट्स में? फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्राइमेट्स पढ़ेंगे, आर्कियोलॉजी पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि फॉसिल्स कहाँ पर मिले, उन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, तब आप देखोगे कि एएमसी मिडिवल के अंदर आपके कुछ कंपोनेंट्स यहाँ से सीधे सीधे निकल के आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, 2020 में एक क्वेश्चन आया था ढोलावीरा के ऊपर, है ना. ढोलावीरा हम यहाँ पे पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड इज ढोलावीरा जब हम आर्कियोलॉजी पढ़ेंगे. और वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था ढोलावीरा का आंसर क्या है, आप लोगों को ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी वालों ने ऐसे आंसर किया उसका. जब हम पढ़ेंगे ट्राइबल्स के बारे में, तो ट्राइबल्स को पढ़ते पढ़ते हमने ये भी देखना होगा कि भाई ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं, हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं ताकि ये सेफ फील करें, प्रोटेक्टेड फील करें. तो वहाँ पर पॉलिटी वाला पोर्शन कवर होगा. जो सोशो कल्चरल पार्ट है, सारा का सारा जीएस वन का सोशल इशूज़ और सोशल जस्टिस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट. जैसे ही एंथ्रोपोलॉजी कवर करोगे, ऑटोमेटिकली योर एंटायर सोसाइटी पार्ट विल बी कवर्ड. तो सोशल इशूज, सोशल जस्टिस एंटायरली विल बी कवर्ड हेयर. साइंस एंड टेक में जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, जो जीन्स वाला पोर्शन है, जो डीएनए वाला पोर्शन है, जो डिजीजेज वाला पोर्शन है एपिडेमिकल, वो सारी की सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर कर लेनी है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो फॉर प्रिलिम्स, फॉर मेंस, बोथ दी एस्पेक्ट्स इट विल बी सफिशेंटली कवर्ड. जब एसए की बात करेंगे हम, तो एसए के अंदर ना काफ़ी बार एसए ऐसे आते हैं जो कि सोसाइटी के ऊपर आ जाते हैं, है ना, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के ऊपर आ जाते हैं, कुछ सजेशंस के ऊपर आ जाते हैं. उन एसेज के लिए आपके पास सफिशेंट एग्जांपल्स, सफिशेंट केस स्टडीज, सफिशेंट ऑथर्स, सफिशेंट मटेरियल होगा लिखने के लिए. सो एसेज जो कि थोड़े से सोसाइटी बेस्ड होंगे, राइट, फिलोसॉफिकल एसेज होंगे, वहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट से हेल्प डेफिनेटली होने वाली है. एंड ओवरऑल आंसर राइटिंग में डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट अ लॉट ऑफ आंसर्स. हम आंसर्स बहुत ज़्यादा लिखने वाले हैं. इसके अंदर ना होता क्या है, ऑप्शनल की तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, कोई ये स्टेटमेंट मेक कर देता है, मैंने बोल दिया कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है. हाउ डू आई नो दैट? ओनली इफ आई हैव, यू नो, आई हैव रिटन आंसर्स, आई हैव गॉट देम इवेल्यूएटेड. तो हमने ऑप्शनल की तैयारी अच्छी है ये कब बोलेंगे हम? जब हम आंसर्स रेगुलरली लिखते रहेंगे, उनको इवेल्यूएट करवाते रहेंगे. तो यहाँ पर अगर आंसर राइटिंग की बेसिक कैपेबिलिटी डेवलप हो गई, तो जीएस के अंदर भी रेप्लीकेट कर सकते हो. बट आई विल टेल यू हाउ टू राइट आंसर्स फॉर ऑप्शनल्स. हम स्ट्रैटेजी सेम नहीं रख सकते, राइट. तो यहाँ पर फर्क क्या होता है, एनीबडी हु कैन टेल मी? यहाँ पर आपको ऑथर्स को कोट करना पड़ेगा, उनकी बुक्स को कोट करना पड़ेगा. सो देर वॉज अ टाइम वेन आई वॉज प्रिपेयरिंग, उस टाइम पे हम लोग ना बुक्स नहीं मैंशन करते थे. उस टाइम पे हमें किसी ने गाइड भी नहीं किया कि बुक्स को मेंशन करो, हम सिर्फ ऑथर्स मेंशन कर देते थे, अकॉर्डिंग टू ऑथर दिस दिस दिस, उनका ये थॉट प्रोसेस था. बट हमें बाद में समझ में आया, लेटर स्टेज पे, थोड़ा सा तब लेट हो चुके थे हम, कि बुक्स भी मेंशन करनी पड़ेंगी. सो आपके लिए
what we will do is we will try to remember books and try to remember all those authors जिन्होंने वो books में कुछ लिखा है और वो क्या लिखा है उसके साथ ही हम mention करने की कोशिश करेंगे. तो ये factors तो depend करते ही करते हैं, इसमें तो anthropology ने help करना ही करना है. But even if I talk about the study material, resources are very easily available. But then I have one thing to share with you. If you are getting enrolled in this subject, मेरा मानना ये है कि हम बहुत सारे different sources पे नहीं जाएंगे, right? So what I will try to do is, मैं चाहूँगा कि हम दो तीन चीज़ें करें. पहली चीज़, हमारे handwritten notes होंगे, right? I will dictate a lot of things. हमने अपने notes बनाने होंगे, but notes के साथ साथ I will also be giving some PDFs which will be reading material for you. But then ideal case में मैं चाहूँगा कि PDFs में से भी जो important चीज़ें निकल के आती हैं वो आप notes में integrate करें, क्योंकि optional के लिए believe me आपको ये सब करना पड़ेगा, right? Shortcut कोई है भी नहीं और मैं कोई दूंगा भी नहीं, बिकॉज आई डो नॉट बिलीव इन shortcuts, right? हम shortcuts की तरफ नहीं चलेंगे. हमने जो मेहनत करनी है, जो UPSC की डिमांड है, वो मेहनत हम करके ही स्कोर करेंगे, right? हमने shortcut method यूज़ ही नहीं करना. तो नोट्स हम बनाएंगे खुद, PDFs हम यहाँ पर इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे. आई विल शेयर सम आर्टिकल्स विद यू, वो आर्टिकल्स आप पढ़ के आया करोगे, हम डिस्कस किया करेंगे क्लास में, राइट? तो ये सब चीज़ों को मिला के वी विल ट्राई टू मेक आर नोट्स एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल. एंड ऑफ द डे हमने इसको फॉलो करना है, नोट्स को, राइट? पेपर में बैठने से पहले, मेंस में बैठने से कम तीन चार रिविजन्स हो जानी चाहिए इन नोट्स की. दैट विल बी आर नोट मेकिंग स्ट्रेटजी, क्लियर? इसके बारे में और बातें करेंगे आगे चलकर, बट अदरवाइज एंथ्रोपोलॉजी विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली. क्रिस्पली मैंशनड है, जो जो क्वेश्चन आप देखोगे वो सारे के सारे आपको सिलेबस में से मिलने वाले हैं. ये ना एक एक्टिविटी कर लेना, राइट? गो बैक होम, सिलेबस उठाना, साथ में PYQs उठाना. PYQs में से कुछ टर्म्स आएंगी, उन टर्म्स को ढूंढना सिलेबस के अंदर, सारी की सारी मिलेंगी, राइट? सो ये बड़ी अच्छी चीज़ होने वाली है आपके लिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने बहुत सही डिसीजन लिया है. हमें टाइम 4 से 4.5 महीने लगेंगे आइडियल सिचुएशन के अंदर, राइट? 4.5 मंथ्स मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना लग जाएगा. बाय नवंबर मिड आई थिंक वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस ऑप्शनल. 15 दिन मैं थोड़े से एक्स्ट्रा मान के चल रहा हूँ कि अगर कोई ना कोई ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस आ गया तो उस केस में इनको यूटिलाइज करेंगे. बट मेरा, मैं चाहूँगा ये कि हम 4.5 मंथ्स के अंदर अंदर इसको कवर कर लें, राइट? सो PYQ एनालिसिस अगर आप करोगे तो आपको एक चीज़ और दिखेगी कि क्वेश्चंस में ना कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको. यू विल नॉट फाइंड अ बाउंसर इन द एग्जामिनेशन. ऐसा नहीं होगा कि आपको डक करना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. जो भी क्वेश्चंस आप देखोगे पेपर के अंदर वो सब आपको लगेगा कि हाँ यार, सिलेबस में भी थे, मेरे नोट्स में भी हैं, और नोट्स और सिलेबस को मिला के जो सर ने रीडिंग मटेरियल दिया था उससे मैं सफिशिएंटली आंसर कर पा रहा हूँ. सो यू नेवर इन योर प्रेपरेशन जर्नी यू विल फील कि कुछ ऐसा पूछ लिया पेपर में जो बिल्कुल ही नहीं आता. अगर ऐसा एक आधा क्वेश्चन आता भी है, जो कि हर बार आता है, उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, है ना? सारे के सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही नहीं होते हमें. तो जो हम एक आधा ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, बिकॉज UPSC इज अनप्रडिक्टेबल, एक आधा ऐसा वो बाउंसर डालने की कोशिश करते हैं, बट एंथ्रोपोलॉजी में उससे सेफ रहते हैं हम, क्योंकि हर चीज़ सिलेबस के अंदर मैंशनड है, तो बच जाते हैं उससे. तो ये एक फ़ायदा होता है एंथ्रोपोलॉजी का. नाउ इफ़ यू लुक एट ब्रीफली, आई विल नॉट गो इन टू डिटेल बिकॉज मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ सक्सेस रेट्स का. मेरे को लगता है कि ये ना एक बहुत ही अजीब सा एनालिसिस है. आई डोंट बिलीव इन सक्सेस स्टोरीज या सक्सेस रेट्स. उसका रीज़न समझाता हूँ मैं. पहले एक बार ना इसको देख लेते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल टेल यू के भाई इस ऑप्शनल का सक्सेस रेट 25% है, इस ऑप्शन का सक्सेस रेट 50% है, इसका 100% है, राइट? ये ना एक अच्छा तरीका नहीं है एक ऑप्शन को एनालाइज करने का. वाई, इसको समझते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सक्सेस रेट नहीं है. इसको देखना ना थोड़ा सा बंद कर देंगे हम, इसकी तरफ नहीं जाना. एंड इफ़ यू हैव सम फ्रेंड्स ऑल्सो, इनको भी ना यही सजेशन देना कि यार सक्सेस रेट को मत देखो. किस चीज़ को देखना चाहिए हमें, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल, वो थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ देती है हमें कि यार कितने लोगों के पास ये ऑप्शनल था. फॉर एग्जाम्पल, जो फेमस ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, दे ऑल विल बी 1000+, राइट? पिछले जब व्हेन आई वाज अपीयरिंग इन UPSC एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग एंथ्रोपोलॉजी, उस टाइम पे तो हमें बहुत ज़्यादा रीडिंग मटेरियल भी नहीं मिलता था. इनफैक्ट नोबडी यूज टू टेल अस कि एंथ्रोपोलॉजी अच्छा ऑप्शनल है.
पिछले 4 साल में, लास्ट 4 to 5 years में जिस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी इवॉल्व हुआ है, वी नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बच्चे एंथ्रोपोलॉजी को यूज़ करेंगे, इतने बच्चे क्लियर करेंगे एंथ्रोपोलॉजी को यूज़ करने के बाद, राइट? सो करंटली दीज नंबर्स विल बी वेरी मिसलीडिंग, इनकी तरफ मत ध्यान देना, ये आपको हर जगह ना सेम से दिखेंगे, 8-10% के आसपास ही है सबका, तो इतना कोई मैटर नहीं करता। और कई बार ना ये इतना मिसलीडिंग है, आप देखते हो 25%, 4 बच्चे थे जिन्होंने अपीयर किया, उनमें से एक निकल गया, सक्सेस रेट क्या आ गया, है ना? 2 बच्चे थे उनमें से एक निकल गया, सक्सेस रेट क्या हो गया? तो क्या मैं एब्सोल्यूट सक्सेस रेट पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? आंसर इज नो। तो सेंस ही नहीं बनती ना इसकी। व्हाई शुड वी लुक एट दिस नंबर देन? सक्सेस रेट से ज़्यादा मेंशन इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि कितने बच्चों ने अपीयर किया भाई, कितने बच्चे इसके साथ पहुँच पाए उस स्टेज में, है ना? दैट इज़ वॉट मैटर्स। सो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 4-5 ऑप्शन हैं जो काफ़ी रिलायबल माने जाते हैं, बट देन प्रॉब्लम क्या रहती है, कुछ इनमें से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको कवर करने में 10 महीने लग जाते हैं, 6 मंथ्स से ज़्यादा टाइम लगता है मिनिमम, राइट? हमारे केस में एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा सा सेफ इसलिए हो जाता है कि 4 to 5 months में कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाती है। सो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि टाइम मुझे मिनिमम लगाकर मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करनी है, थोड़ा सा स्मार्ट चॉइस ऑटोमेटिकली बिकम्स एंथ्रोपोलॉजी, राइट? 4 months minimum is per day, how many hours do we have to invest along with prelims? That's a good question. अब देखो सुभाष, मैं आपको ना पहले कुछ चीज़ समझाता हूँ, हमने टाइम कितना डिवोट करना है। क्लासेस विल बी फ्रॉम 2:30 to 4:30 PM, क्लासेस विल बी 5 days a week, 5 दिन क्लास हुआ करेगी, 2.5 से 4.5 क्लास हुआ करेगी। इन दीज 2 hours हमने कोशिश करनी है कि इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ही आई एम गिविंग यू अ प्लान ऑफ 4.5 months, राइट? सो अगर ये पूरा नहीं भी हो पाता इन सम केसेस, सर प्लीज, लिखवा दो सर, करवा दो सर, डन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो व्हाट वी वर डूइंग इज गाइस, हम ना एंथ्रोपोलॉजी के जो 1985 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे टिल 2022, हम उनको कंपाइल करने का काम कर रहे थे। सो वी हैव जस्ट डन दैट, आई विल शेयर दैट विद यू, अभी इट इज़ गोइंग टू बी टू सून, अभी आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा उस PDF का, बट आई विल जस्ट शो यू वंस। इसको जब रेलिवेंट टाइम आएगा हम इसको फॉलो करेंगे, जो जो टॉपिक्स हम पढ़ते रहेंगे उन उन टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लिखते रहेंगे, राइट? हाँ जी, हाँ, दीज विल बी सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज ही दूंगा आपको क्वेश्चंस भी मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ना, आप थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं हमें आगे चल के, एक बार वो PDF लगा रहे होंगे शायद, उनको PDF लगाने देते हैं, हम मीनवाइल डिस्कशन ये कर लेते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर Paper 1 और Paper 2 में हर एक ऑप्शनल के अंदर ना एक डिफरेंस होता है। एनीबडी नोज क्या डिफरेंस होता है? हाँ, क्या डिफरेंस होता है? करेक्ट। तो एंथ्रोपोलॉजी भी वैसा ही है, राइट? तो Paper 1 में थोड़ा सा जनरल एंथ्रोपोलॉजी होता है, Paper 2 में जैसे ही हम शिफ्ट करेंगे वी विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडिया, राइट? तो एंथ्रोपोलॉजी में अगर हम कल्चर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं, तो Paper 1 के अंदर जब हमने पढ़ना है तो वर्ल्ड लेवल पे पढ़ना होगा, Paper 2 में इंडियन ट्राइबल्स को हमने पढ़ना होगा, तो उतना का फर्क रहेगा, राइट? आई थिंक इट इज नाउ गोइंग टू ओपन, हाँ। सो दिस इज द PDF दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू। अभी थोड़ा सा अर्ली स्टेज पे है इसलिए अभी शेयर करने का आपको बहुत फायदा नहीं होगा इसका, इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज PDF, थोड़ा सा टाइम लग सकता है चलने में भी, हाँ। सो दैट फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी ये सिलेबस है, अब आगे चल के हमने सिलेबस डिस्कस करना है, तो सिलेबस के हिसाब से इसको बाइफरकेट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सो अभी हमने सिलेबस को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में भी, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है, क्या क्या कवर करना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट। यहाँ से क्वेश्चन आपके शुरू हो जाने चाहिए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने देख देख के समझ समझ के चलना है। अच्छी चीज़ क्या होगी, वेन एवर यू विल कवर अ पर्टिकुलर सेक्शन, तो उस सेक्शन को कवर करते करते जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे ना, आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि यार देखो सर ने जो करवाया था एग्जैक्टली। अब अच्छी चीज़ क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस क्वेश्चन, 10 मार्कर क्वेश्चन है, सीधा सीधा जब हमने एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज पढ़नी है ना, तब हम इनका नाम रखेंगे सामने, रैडक्लिफ ब्राउन के बारे में पढ़ेंगे, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, रिसर्चर रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं, तो इनके आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन से स्कूल ऑफ थॉट को ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं,
राइट, वो हमने पढ़नी होगी। क्वेश्चन सीधा क्या पूछ लिया, रैडक्लिफ ब्राउन के आइडियाज बताइए स्टेटस, रोल और इंस्टीट्यूशनल या इंस्टीट्यूशन के बारे में। भाई इंस्टीट्यूशन कौन से, मैरिज अगर एक इंस्टीट्यूशन है तो इनके थॉट्स, इनके आइडियाज क्या थे मैरिज के बारे में, ये क्या सोचते थे, इन्होंने किस तरीके से हेल्प करी है कि एंथ्रोपोलॉजी इवॉल्व हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड डुएबल। फॉर एग्जाम्पल देखो, डिस्कस डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। हमने एक पूरी डिस्कशन में प्रॉपर नोट लिखा होगा जिसके अंदर हमने यही कवर किया होगा कि प्राइमेट्स जो थे, पुराने लोग जो थे प्राइमेट्स, उनकी कैसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, वो अपने टाइम पे अपने ज़माने में किस तरीके से सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करते थे, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, राइट। फिर वाई हेथ एंड कार्टर यूज एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, इसको आगे चल के करवाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट आ जाएगा। डिस्कस हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दैट लेड टू सुपरसीडिंग एंथ्रोसिज्म। अब जैसे एथनोसेंट्रिज्म की हम बात करेंगे, तो एथनोसेंट्रिज्म वाले जो आइडियाज़ हैं, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू इंटरनल सिक्योरिटी फ्रॉम मी, आपने तो मुझसे पढ़ा है इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, तो हम वहाँ पर बात करते हैं ना एथनोसेंट्रिज्म की, हम एथनो नेशनलिज्म की बात करते हैं, वो वाली सारी चीज़ें यहाँ पर से निकल के आती हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि सोसाइटी एथनोसेंट्रिक क्यों होती है, क्यों ऐसा लगता है सोसाइटी को कि अगर मैं एक सोसाइटी का पार्ट हूँ, क्यों मुझे थ्रेटन्ड फील होता है दूसरे लोगों से, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं, अभी रिसेंट जो इशू हुआ है कहाँ पर हुआ है, ट्राइबल्स के बीच में, मणिपुर के अंदर इशू हुआ है ना, क्या इशू हुआ है, मेती एक ट्राइब है, वो ट्राइब क्या बोल रही है, वो ट्राइब मांग रही है स्केड्यूल्ड स्टेटस, स्केड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मांग रही है वो, और बाकी ट्राइब्स बोल रही हैं कि उनको नहीं देना चाहिए, राइट। क्या हो रहा है पंगा, पंगा ये हो रहा है कि वो मेती जो ट्राइब है वो थ्रेटन्ड फील कर रही है क्योंकि उनके अंदर एथनोसेंट्रिज्म की भावना है, दे आर गेटिंग थ्रेटन्ड कि अगर मुझे नहीं मिला स्केड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस तो बाकी लोग मेरे एरियाज में आके रहना शुरू कर देंगे, और अगर वो रहना शुरू कर देंगे तो फिर मेरी एथनिसिटी का क्या होगा, मेरे कल्चर का क्या होगा, मेरे ट्रेडिशनल सिस्टम का क्या होगा, तो मेरे तो सारा ट्रेडिशनल सिस्टम ही हिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं, हमने लिंकेजेस डेवलप करनी होंगी। सो यू विल ऑलवेज गेट दीज काइंड ऑफ 10 मार्कर क्वेश्चंस। इसमें तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें आती हैं, जैसे जेनेटिक इम्प्रिंटिंग, हमने पूरा टॉपिक पढ़ना है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, एक नोट लिखना है, सीधा सिलेबस में से उठ के क्वेश्चन है। सो ब्यूटी, मैं मानता हूँ कि सबसे बढ़िया चीज़ जो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में है वो यही है यार कि ना बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता चीज़ों को ख़त्म करने में। सो एटलीस्ट ऐसा रहता है कि पॉसिबल हो जाता है करना। कहाँ से निकल के आएगा ये, राइट। थोड़ा सा ना सिलेबस डिस्कस करते हैं, लेट्स नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस। सिलेबस डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सी बाइफरकेशन लिखवाना चाहता हूँ, थोड़ी सी बाइफरकेशन लिखो सो दैट आपको पता हो कि एंथ्रोपोलॉजी किस तरीके से डिवाइडेड है। पहले तो आप सबसे पहले लिखो ऊपर एंथ्रोपोलॉजी, यहां पर सिंपली लिख लो देयर इज पेपर वन, देयर इज पेपर टू। हम डिवाइड कर लेते हैं टॉपिक्स कि कौन सा टॉपिक हमने कहां पढ़ना है। यस यस मानसी, यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डोंट वरी। सुभाष, आई विल कम बैक टू योर पॉइंट। तो हमने पेपर वन के अंदर ना तीन तरीके की एंथ्रोपोलॉजी को कवर करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले लिखो नंबर वन, राइट डाउन, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। नंबर टू, राइट डाउन, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी बोल देते हैं, तो वो भी यहीं पे मेंशन कर लो सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। एंड नंबर थ्री, राइट डाउन, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो ये जो तीन मेजर एस्पेक्ट्स हैं, दीज वी विल डील इन द फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर के अंदर इनके बारे में बात होगी।
पेपर टू में जब हम जाएंगे, एज सून एज वी मूव टू पेपर टू, तो पेपर टू के अंदर दो मेजर पार्ट्स बच जाते हैं आपके. नंबर वन इज इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड नंबर टू इज ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी. सो अगर आप पूरे सिलेबस को डिवाइड करोगे ना इन पांच तरीकों से, इन पांच पार्ट्स में सिलेबस डिवाइडेड है आपका, राइट. सो पेपर वन के अंदर सोशियो कल्चरल, फिजिकल, आर्कियोलॉजिकल, पेपर टू के अंदर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी. ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी का कुछ पार्ट हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, मतलब कुछ हमने दुनिया की ट्राइब्स के बारे में चीज़ें पढ़नी होंगी वो यहाँ पर भी पढ़ेंगे, बट ज़्यादातर जो सिलेबस है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी का वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपके सिलेबस में, राइट. सो हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा ध्यान वहाँ पर देना होगा. जब हम यहाँ पर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हम दे पाएंगे क्योंकि इतना मेंशन हमने करना ही नहीं, बट यहाँ पर जब हम आएंगे तो हम यहाँ पे और यहाँ पर इन दोनों को लिंक भी करेंगे आपस में. सो इंटरलिंकिंग भी डेवलप करेंगे सो दैट जब यहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर कर रहे हैं, इट शुड मैरी ईच अदर, राइट. सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एंथ्रोपोलॉजी का इन वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी. अब मैं ना कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा सिलेबस समझाने की. सिलेबस में पेपर वन की हम बात कर रहे हैं अभी. पेपर वन में आपने सबसे पहले क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, तीन चीज़ें लिखी हैं, सोशो कल्चरल, उसके बाद फिजिकल और तीसरा आर्कियोलॉजिकल. इन तीनों को शुरू करने से पहले 1.1, 1.2 एंड 1. दीज आर द बेसिक्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राइट. इसमें क्या करना होता है, हमने मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स स्कॉलर्स क्या समझते हैं एंथ्रोपोलॉजी को, वो समझना होगा. इसका स्कोप क्या है, राइट, करना क्यों चाहते हैं, कैसे ये सब्जेक्ट डेवलप हुआ है, कैसे इसके अंदर हम चीज़ें करते हैं, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिनस, मतलब कोई रिलेशन है. एक बार क्वेश्चन आया था 2021 में, पिछले साल का क्वेश्चन है, पिछले से पिछले टाइम का, 2021 में क्वेश्चन आया कि समझाइए कि एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. एनीबडी हु गॉट गॉन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल रिमेंबर दिस, राइट. तो भाई समझाइए कि हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है. एनीबडी हु कैन टेल मी. अभी तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, अगर आप अभी ही कुछ आंसर दे दोगे तो बहुत मजा आ जाएगा. एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री में क्या फर्क है. करेक्ट. तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री सिर्फ पुरानी या पास्ट की कहानी है, है ना. अगर मैं बता दूं इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, ये वॉर हुई थी, दैट इज हिस्ट्री, राइट. बट वो वॉर अगर हुई थी, किन लोगों ने वो वॉर लड़ी, वो किस तरीके से इवॉल्व हुए, उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, वो हम हिस्ट्री में नहीं पढ़ पाते, इस डिटेल में हम नहीं जा पाते. तो हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बहुत डिफरेंस है. एंड जब हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे, हमने बहुत डिटेल में लिखना है कि कैसे हिस्ट्री से एंथ्रोपोलॉजी डिफरेंट है. एक बहुत बड़ी डिबेट है दुनिया में, क्या एंथ्रोपोलॉजी साइंस है या एंथ्रोपोलॉजी एक सोशल साइंस है या फिर एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमैनिटीज़ है. एक बहुत बड़ी डिबेट है, राइट. इस डिबेट को भी हमने यहीं पे ख़त्म करना है, राइट. बोला जाता है इट इज़ द मोस्ट साइंटिफिक ऑफ ऑल ह्यूमैनिटीज़ बट मोस्ट ह्यूमनिस्टिक अमंग द ऑल साइंसेस. मतलब अगर साइंस की बात करेंगे, हम साइंस की बात करें, फॉर एग्जांपल फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो उसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखता है. अगर साइंसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक है ये. बट अगर आप बात करें ह्यूमैनिटीज़ की, मतलब पॉलिटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो वहाँ पर देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक. तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों की किटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट. दोनों ही यूनिवर्सेस को एक दूसरे से मिलाने का काम करता है. तो हम उसके बाद वी विल कम टू द ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. फिर हम ये सारी चीज़ें डिटेल में लेकर जाएंगे, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर मैंशनड हैं, कैसे कैसे इनको पढ़ना है. ये जो पोर्शन है 90% ऑफ द कैंडिडेट्स टेक दिस लाइटली. बहुत सारे कैंडिडेट्स पढ़ते ही नहीं, स्किप कर देते हैं पहला पार्ट, पहले तीन पार्ट. बिलीव मी, पिछले चार साल का पेपर उठा के देखो, लगभग 60 से लेकर 80 नंबर का क्वेश्चंस जो हैं, ऑलमोस्ट 60-80 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इन तीन चैप्टर्स में से कवर हो जाएंगे आपके, सिर्फ और सिर्फ इन तीन चैप्टर्स में से. ये रेलेवेंस है, राइट. फिर हम धीरे धीरे चलेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन में कि ह्यूमंस ने किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व किया है. तो उसमें कुछ थ्योरीज होंगी, थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी. प्राइमेट्स के बारे में कुछ ट्रेंड्स पढ़ने पड़ेंगे. धीरे धीरे फिर हम फाइलोजेनेटिक स्टेटस के बारे में जाएंगे, इसमें थोड़ी सी बायोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी आपकी.
बट बायोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है. 10th लेवल तक जो बायोलॉजी आपने करी हुई है दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, राइट. बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाला कुछ भी. बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, सबसे स्मॉलेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ से कहानी को शुरू करेंगे. भाई सेल क्या होता है, डीएनए क्या होता है, सेल में डिविजन्स किस तरीके से होती हैं, ऑल दोज बेसिक थिंग्स. एंथ्रोपोलॉजी में ना रोल ऑफ डायग्राम्स इज गोइंग टू बी ह्यूज. डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे. डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी हमने करनी होगी. आंसर्स में डालने से डरना भी नहीं. डायग्राम्स जहां पर भी रेलिवेंट लगेगा वहां पर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे ही करेंगे. चाहे हमें ये दिखाना पड़े कि भाई ये ट्राइब इंडिया के इस एरिया में रहती है तो हम इंडिया का मैप ड्रॉ कर देंगे. जहां पर हमें दुनिया का मैप ड्रॉ करना होगा हम वहां पर वर्ल्ड मैप ड्रॉ करके वर्ल्ड की ट्राइब दिखानी होगी वहां पर वर्ल्ड की ट्राइब दिखाएंगे. बट डायग्राम से बिल्कुल नहीं डरेंगे. दूसरी चीज़, फ्लो चार्ट्स मैं आपको कुछ बनवाऊंगा. फ्लो चार्ट से बिल्कुल नहीं डरेंगे. जो आंसर हम फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं वो हम फ्लो चार्ट में ही लिखेंगे. डन, कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे टॉपर के ना नोट्स भी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. वहां पर आप देखोगे कि कुछ टॉपर्स ने बड़े इंटेलिजेंटली ना किसी एक थ्योरी को समझाने के लिए क्या किया हुआ है, सिर्फ डायग्राम बना दिया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया सोसाइटी ए सोसाइटी बी, दोनों का रिलेशन दिखा दिया कि यहाँ पर दोनों सोसाइटीज़ जो हैं वो एक सिमिलर लेवल ऑफ कास्ट सिस्टम को मानती हैं. ऐसे ऐसे कर करके, हालांकि इसका डायग्राम माइंड में आएगा नहीं किसी के भी, बट जिसने ऐसा डायग्राम दिखा दिया उसने एग्जामिनर की लाइफ इजी कर दी, राइट. एंड इफ योर एग्जामिनर इज हैप्पी वॉट एवर यू हैव डन ही विल बी गिविंग यू गुड मार्क्स, राइट, 100% श्योर. फिर यहाँ पर हमने देखना है 1.8 में प्रिंसिपल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी. तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पुराने पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक. तो जो फॉसिल्स बरामद हुए हैं, वॉट एवर फॉसिल्स वी हैव बीन एबल टू गैदर, उन फॉसिल्स से क्या क्या पता चल रहा है. ये लोग पेंटिंग करते थे, अगर पेंटिंग करते थे तो किस तरीके से करते थे, पेंटिंग के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलती थी. अगर इनके कुछ रिमेन्स मिले हैं तो रिमेन्स से इनका स्ट्रक्चर कैसा था बॉडी का, किस तरीके के ये लोग थे, राइट. वो सारी चीज़ें स्टडी करने की कोशिश करेंगे 1.8 में. यहाँ से 2.1 से आपका सोशो कल्चरल जो एंथ्रोपोलॉजी है वो शुरू हो जाएगा. यहाँ पर आपने कल्चर के बारे में पढ़ना है, सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, मैरिज के बारे में पढ़ना है, राइट. जैसे कि देयर विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक यहां पर हम जब पढ़ेंगे, मैरिज पेमेंट्स, है ना, या मैरिज प्राइजेस या ब्राइड प्राइस क्या होता है, राइट. ब्राइड प्राइस इवन टिल टुडे इंडियन सोसाइटीज में प्रेवलेंट है. तो ब्राइड वेल्थ, डाउरी, ये सब चीजें कैसी हैं, किस किस ट्राइब में इसको डिफरेंट तरीके से पे किया जाता है, मैरिजेस कितने ट्राइब्स की हैं. कुछ ट्राइब्स में मैरिज बाय किडनैपिंग भी चलती है, राइट. वो आज तक चल रही है. तो कौन सी वो ट्राइब्स हैं जो ऐसी मैरिजेस को फॉलो कर रही हैं, राइट. वो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो. मोनोगैमी क्या होती है, पॉलीगैमी क्या होती है, पॉलीएंड्री क्या होती है, ग्रुप मैरिज क्या होती है. बहुत सारी ट्राइब्स ग्रुप मैरिजेस में बिलीव करती हैं, तो उनका सिस्टम क्या है, उनकी सोसाइटी कैसे इसको चला पा रही है, राइट. वो सारी चीज़ें, फैमिली. और फैमिली की जब बात करेंगे, हमने ये भी देखना होगा कि फैमिली को आजकल की जो नई चीज़ें आ रही हैं वो इम्पैक्ट कैसे कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने फैमिलीज के स्ट्रक्चर्स को कैसे चेंज किया, राइट. फेमिनिस्ट आइडियाज जो आज की डेट में हमें बहुत प्रेवलेंट दिख रहे हैं, उसके कारण मैरिजेस या मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन थ्रेटेंड है, क्या कुछ थ्रेट दिख रहा है हमें, हमें वो चीज़ें समझनी होंगी. किनशिप में हम समझेंगे कि भाई रिलेशनशिप्स किस तरीके के होते हैं, डिसेंडेंट्स किस तरीके से आए हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिसेंडेंट है तो वो कैसे, कौन सी जीन से, कौन से ट्रेट्स लेकर यहाँ पर आता है. जब आप आए हो आपने ट्रेड्स कहाँ से बोरो करे, आपकी जो अगली जनरेशन होगी आपसे कौन से ट्रेड्स ले सकती है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझनी होंगी. इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, सोसाइटीज जब पहले थी तो किस तरीके के काम करते थे, वो हंटर्स गैदरर्स थे, आज की डेट में हम बहुत डिफरेंट हैं, राइट. तो वो भी हमने डिस्कस करना होगा. इसके साथ साथ अब हम एक और चीज़ बहुत अच्छी डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो आगे चलकर आएगी. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कास्ट सिस्टम. वर्ण सिस्टम क्या होता है, एनीबडी हु कैन टेल मी, वर्ण सिस्टम क्या होता है, कौन से वर्ण होते हैं, चार. तो जब ये चार वर्ण थे इनिशियली, जब ये थे तो ये कैसे डिवाइड होता था, मतलब अगर मैं ब्राह्मण हूं तो कौन बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं ब्राह्मण हूं, हु विल डिसाइड दिस, एग्जैक्टली. तो किसके ऊपर डिवाइड कर रहे थे हम, प्रोफेशन के ऊपर. मतलब ब्राह्मण कौन था फिर, जो स्कॉलर था, जो पढ़ता था, जो टीचर था, उसको ब्राह्मण बोल देते थे. मतलब क्या ये है कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो जो मेरा नेक्स्ट बेबी आने वाला है, जो मेरा नेक्स्ट
फॉलोअर आने वाला है, क्या वो भी ब्राह्मण होगा, मेरा डिसेंडेंट? आंसर इज नो, पहले नहीं चलता था ये, बट आज तो ये चलता है ना। आज तो अगर एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर में कोई भी बच्चा पैदा हो गया वो ब्राह्मण ही है, चाहे वो कुछ भी करे, तो प्रोफेशन का तो आज मैटर ही नहीं करता। तो पहले कैसे ये चीज़ें काम करती थी और आज कैसे ये चीज़ें इवॉल्व हो चुकी हैं, कास्ट सिस्टम कैसे इवॉल्व हो चुका है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। वर्ण सिस्टम में समझना पड़ेगा कि भाई जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, जो वैश्य थे, जो शूद्र थे, तो उनकी डिवीजन जो थी आज की डेट में किस तरीके से इवॉल्व हुई है और आज कैसे हम करंटली सिस्टम के अंदर डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पर जब आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटी वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझोगे कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या था, अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, राइट? सोशल कंट्रोल किस तरीके से सिंपल सोसाइटीज जो थी वो लोगों के अंदर सिंपल सोसाइटीज में कंट्रोल कैसे रखा जाता था, राइट? फिर आएंगे हम अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पोनेंट ऑफ रिलीजन, के रिलीजन कहाँ से आया, रिलीजन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस कैसे हैं, कौन किस किस तरीके का रिलीजन जो है वो फॉलो करता है, एनिमिज्म हो गया, एनिमेटिज्म हो गया, फेटिशिज्म हो गया, नेचुरिज्म हो गया। फिर मैजिक एंड साइंस का क्या रोल है रिलीजन के अंदर, कैसे बहुत सारे रिलीजन्स के अंदर मैजिक का भी एक कॉम्पोनेंट रहता है, वहाँ से कैसे सॉर्सरर्स निकल के आए, विचक्राफ्ट निकल के आया, ब्लैक मैजिक निकल के आया, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट? सो वेरी इंटरेस्टिंग, चुड़ैलें भी पढ़नी होंगी हमें इसमें, राइट? सो ऑल ऑफ दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। देन देयर विल बी अ कॉम्पोनेंट जिसको हम ऐसे कवर नहीं करेंगे, पहली बात, ये सिलेबस दिया हुआ यूपीएससी का ऐसे, बट हमने ऐसे कवर नहीं करना। जब आपको याद होगा इनिशियली मैं बोल रहा था कि सिलेबस की दो अच्छी बात, एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। अच्छी बात क्या है कि हर चीज़ मैंशनड है सिलेबस में, बुरी बात क्या है कि हैफ हैजर्डली मैंशनड है। मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज दी हुई हैं यूनिट नंबर 6 में, मतलब क्या बोल रहा है यूपीएससी कि ये सब पढ़ने के बाद आप ये समझो कि भाई ये सब कुछ जो आज की डेट में हुआ है इसके लिए जो बेसिस है वो क्या है। सेंस बनती है? नहीं। हमने क्या करना होगा, हम पहले 1.1, 1.2, 1.3 कवर करेंगे ये तीनों, उसके बाद हमने सीधा आ जाना है किसके ऊपर, भाई जो एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट है, जो ये लोग हैं, फ्रांस बॉयस है, ई बी टेलर है, इन्होंने इतनी ज़बरदस्त थ्योरीज दी हैं, इनकी थ्योरीज के आधार पे एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट बना है, तो इन्होंने सोचा क्या था बनाने से पहले, वो समझना पड़ेगा ना। उसको समझने के बाद देन वी विल गो इन टू डिफरेंट एरियाज। तो हम पढ़ेंगे सबसे पुरानी थ्योरी क्लासिक एवोल्यूशनलिज्म कि भाई ये क्या चीज़ है, फंक्शनलिज्म की आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें मैलिनोस्की साहब जो बड़े इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ये बोलते हैं कि भाई सोसाइटी में ना जो भी हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग, हर चीज़ का, हर कोई ना कोई छोटी से छोटी चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन है। अगर मैरिज एग्जिस्ट कर रही है आज की डेट में भी, तो मैरिज का कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। हर एक चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई फंक्शन है। तो ऐसी थ्योरीज को हम पढ़ेंगे, किस स्कूल ऑफ थॉट से मैलिनोस्की बिलोंग करते हैं, उस स्कूल ऑफ थॉट में कौन कौन से और लोग आए, किन किन लोगों ने किस किस तरीके से उन आइडियाज़ को अप्रोच किया, वो सारा हमने एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में कवर करना है। देयर विल बी दीज, और ये मॉडर्न टाइम तक हम लेकर चलेंगे, पोस्ट मॉडर्निज्म, आज के टाइम के अंदर एंथ्रोपोलॉजी में क्या थ्योरीज निकल के आ रही हैं। फिर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी भी यहाँ पर आएगी कि भाई कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो इंडिया के अंदर बोली जाती हैं, कहाँ कहाँ पर वो डिवेलप करी गई हैं, कैसा कैसा कल्चरल बैकग्राउंड है, ऑल ऑफ दिस। एट विल बी रिसर्च मैथोडोलॉजी, हमने क्या करना होगा। अब देखो ये सब पढ़ने के बाद यूपीएससी बोल रही है कि पढ़ लो भाई रिसर्च कैसे करते हैं, है ना, हम सब कुछ पहले पढ़ गए, यूपीएससी बोल रही है बाद में पढ़ लो रिसर्च कैसे करते हैं। डज इट मेक सेंस? आंसर इज नो। सो व्हाट वी विल डू इज 1.1, 1.2, 1.3, 6 एंड देन वी विल जंप टू 8। तो थ्योरीज पढ़ने के बाद उन एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने रिसर्च के मेथड्स क्या यूज करे हैं, राइट? रिसर्च मेथड्स को पढ़ने के बाद हमारे पास ऑप्शन होगी, फिर ऑप्शन क्या होगी, या फिर तो हम फिजिकल एंथ्रो में चले जाएंगे या फिर हम सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में चले जाएंगे। उस टाइम पे जिसने भी जाने का मन करेगा वी विल टेक अ कॉल, राइट? डेमोक्रेटिकली वी विल डिसाइड कहाँ चलना है, किस तरफ चलना है, हम चल पड़ेंगे। मैं प्रेफर करूँगा कि हम पहले फिजिकल एंथ्रो ख़त्म करें, राइट? उसमें फ़ायदा क्या होता है, थोड़ी सी ना मुश्किल लगती होती हैं ये चीज़ें, सो अगर हम टफ पार्ट पहले कर लेंगे तो ईजी पार्ट हम एंड में आराम से कवर कर लेंगे। सो माई सजेशन विल बी After covering all the basics, then we will go to physical anthropology, but then that can be decided later on.
फिजिकल एंथ्रो में जेनेटिक्स से शुरू करेंगे, क्रोमोसोम से शुरू करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे कि भाई मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशंस क्या होती हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था 2019 के अंदर, सिंपल क्वेश्चन था एज इट इज़, उठ के आया हुआ है पेपर के अंदर कि भाई बताइए सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशंस कितने टाइप की हो सकती हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर मैंशनड हैं, इनको मैंशन करना था, एक एक सिंपल डायग्राम बनाना था, एंड दैट वॉज सफिशेंट, 15 नंबर इमीजिएटली आपके, राइट। सो ये सारी की सारी चीज़ें करनी है। इसके अंदर जैसे इन्होंने रेस एंड रेसिज्म डाल दिया, तो यहाँ पर इसको हम कवर नहीं करेंगे, सेंस नहीं बनती, यहाँ पर फिजिकल रखेंगे, इसको पहले ही कवर कर लेंगे हम, राइट। एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन, इसको पढ़ेंगे कि भाई कैसे डेमोग्राफी के अंदर चेंजेस आ रखे हैं, राइट। डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में डिजीजेज को पढ़ेंगे, राइट। ह्यूमन ग्रोथ कैसे होती है, कैसे एक ह्यूमन के लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, है ना, जब बच्चे होते हो तो बच्चों में क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, कैसे कैसे ह्यूमन बड़े होते होते एजिंग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चेंज करती है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। एंड वी विल देन एंड पेपर वन विद एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कि भाई ये सब जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं क्या ये कहीं यूज़ भी होती हैं, इफ दे आर बींग यूज तो कहाँ कहाँ पर यूज होती हैं, तो क्या किसी मेडिसिन बनाने में इसका हेल्प है, कोई जेनेटिक काउंसलिंग करने में इसका हेल्प है, क्या कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने में इसका कुछ हेल्प है, या गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाती है उसमें क्या एंथ्रोपोलॉजी की एप्लीकेशन है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करनी है। हेयर वी विल फिनिश आर पेपर वन, राइट, पेपर वन यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, देन वी विल मूव टू पेपर टू। एंड पेपर टू में एज आई टोल्ड यू फोकस ज़्यादा कहाँ पर रहेगा, इंडिया के ऊपर फोकस रहेगा। सो पेपर टू में आपने दो चीज़ें मेंशन करी हैं, क्या क्या, एंड ट्राइबल। तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में अभी आप देखोगे कि हम इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशंस को डिस्कस करेंगे, नर्मदा बेसिन के अंदर रामापैथिकस, शिवापैथिकस, नर्मदा मैन, ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉसिल्स हमें मिले हैं इनसे क्या पता चला है, वो सारी चीज़ें करेंगे। एथनो आर्कियोलॉजी इन इंडिया, इसको डिस्कस करेंगे, डेमोक्रेटिक प्रोफाइल क्या है, फिर हम देखेंगे कि भाई सोसाइटल जो सिस्टम है इंडिया का, जैसे कि हमने वर्ण सिस्टम की बात करी, पुरुषास्त्र की बात करी, कर्म की बात करी, ऋण की बात करी, रीबर्थ की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी जिसमें बिलीव रखती है, बिलीफ सिस्टम है हमारा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर कास्ट सिस्टम को बहुत अच्छे से डिकोड करना है हमें, वेरी ब्यूटिफुली वी विल टॉक अबाउट कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि जजमानी सिस्टम क्या होता है, एनीबडी हु नोज जजमानी सिस्टम, सुभाष द ऑडियो सीम्स टू बी फाइन फॉर एवरीबडी एल्स, आप एक बार अपना सिस्टम चेक करिए, बिकॉज आई एम गेटिंग अ कन्फर्मेशन दैट ऑडियो इज फाइन। एनीबडी हु कैन टेल मी वॉट इज जजमानी सिस्टम, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। आज की डेट में भी ना, जब आप किसी गांव में जाते हो, है ना, फॉर एग्जांपल इन सम लोकेशंस इफ़ यू गो टू अ वेरी बेसिक विलेज मैरिज, आपको ना दिखेगा कि वो लोग ना कुछ स्पेसिफिक लोगों को इनवाइट करते हैं, राइट। पीपल हु दे इनवाइट दे विल बी देयर फॉर हेल्पिंग, मतलब किसी से बर्तन साफ करवाने हैं तो एक स्पेसिफिक कास्ट के लोग आएंगे, वो सिर्फ बर्तन साफ करते हैं, राइट। कुछ ऐसे लोग होंगे जो किसी ना किसी तरह की लेबर का हेल्प करेंगे, इसको जजमानी सिस्टम बोलते हैं, आज भी प्रेवलेंट है सोसाइटी के अंदर, आज भी कई जगहों पर देखने को मिलती है। तो हमने उस लेवल पे लेकर चलना है एंथ्रोपोलॉजी को, कि हमने करंट सिचुएशन में जो मॉडर्न सोसाइटी है वहाँ पर क्या चल रहा है वो भी पढ़ेंगे, जो उतनी इवॉल्व्ड सोसाइटी नहीं है, जो उतनी मॉडर्न सोसाइटी नहीं है, सिंपल सोसाइटी है जो, उसको भी समझना होगा कि वहाँ पर क्या चीज़ें प्रिवेल करती हैं। सेक्रेड कॉम्प्लेक्स एंड नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी, डिफरेंट डिफरेंट एराज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स आए हैं, है ना, देश के अंदर। सो जब कंट्री में फॉर एग्जाम्पल इस्लाम आया, तो क्या इस्लाम के आने से इंडियन सोसाइटी में कुछ चेंज आया है, आया कुछ चेंज, हैज़ एनीथिंग चेंज इन इंडिया, अगर इस्लाम की बात करूँ मैं, आई विल नॉट गो इन टू डिटेल्स ऑफ अदर रिलीजन्स, people who are connected online also, I want your answer here. सिर्फ इस्लाम रिलीजन की अगर हम बात करें, तो जब इस्लाम रिलीजन इंडिया में आया, क्या उसने किसी भी तरह से इंडियन सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज किया चीजों को, has anything changed? Wonderful भावना, anybody else कोई try करना चाहता है, क्या चेंज हुआ, Wonderful, यही तो मैं वेट कर रहा हूँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, आर्किटेक्चर चेंज हो गया सारा, क्यूजीन चेंज होगी, मुगलई खाना आ गया देश के अंदर,
पहले किसने खाया था मुगलई? नहीं था। मुगलई खाना आया, आर्ट आया, आर्किटेक्चर आया, म्यूजिक आया, राइट, कपड़े आए, बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिसके कारण हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई है। डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिजेज आई हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, सोसाइटी तो इवॉल्व हुई है ना। सो इट हैज़ वेरी मच चेंज, फॉर एग्जाम्पल फूड चेंज, कल्चर चेंज, सोसाइटी ओवरऑल हैज़ चेंज। तो हमने समझना होगा अंडर 3.4 पार्ट 2 हमने समझना होगा कि बुद्धिज्म आई तो क्या चेंज आया, जैनिज्म आई तो क्या चेंज आया, इस्लाम आया तो कैसे सोसाइटी को चेंज किया, क्रिश्चियनिटी आई तो कैसे चेंज हुई सोसाइटी हमारी, राइट। डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में जब ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स आए तो चेंजेस किस तरीके से आए। देन 4 विल टॉक अबाउट इमर्जेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कि इंडिया के अंदर एंथ्रोपोलॉजी कैसे फेमस हुई। तो यहाँ पर जो स्कॉलर्स इंडिया के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, राइट, उनको समझेंगे, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। कुछ ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं गाइज, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने ना एवोल्यूशन को स्टडी करते हुए 15-15 साल चिंपैंजीज के साथ गुजारे हैं। बट हमने एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं बनना, ना मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं आपको किसी को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनाना चाहता हूँ, राइट। आई नो एंथ्रोपोलॉजी फॉर UPSC, तो हमने उस लेवल पे पढ़ना है। बट ये जो सब्जेक्ट है ना, इसकी डेप्थ समझनी बड़ी ज़रूरी है। अगर हम इसकी डेप्थ को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो हमें इसके अंदर उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करने के लिए देर वॉज अ लेडी, इसको मैं आगे जाके लिखवाऊंगा भी आपको, शी स्पेंट 15 ईयर्स विद चिंपैंजीज, समझने के लिए कि यार चिंपैंजीज और ह्यूमंस इतने सिमिलर क्यों हैं, क्या चिंपैंजीज कमांड समझ सकते हैं, क्या चिंपैंजीज की नेचर को बदला जा सकता है, क्या ये अगर आज एग्रेसिव हैं तो इनके साथ रह के, इनके साथ थोड़ी सी लाइजन करके, फ्रेंडशिप करके, क्या इनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया जा सकता है। आफ्टर 15 ईयर्स व्हेन शी वाज स्टिल लिविंग इन द जंगल्स, शी यूज्ड टू टेल द चिंपैंजीज मेरे लिए पानी लेकर आओ, दे यूज टू गो बैक इन द टेंट, दे यूज टू ब्रिंग वाटर फॉर हर, राइट। तो ये स्टडीज हैं जो एंथ्रोपोलॉजीज ने करी हुई है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसा कोई बहुत बेसिक सा सब्जेक्ट नहीं है, इट इज सच अ डीप स्टडी जिसमें समझ में आया कि भाई हम इवॉल्व हुए हैं तो कहाँ से हम आज पैदा हो गए, अचानक से थोड़ा ह्यूमंस बन गए हम, राइट, तो कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उसकी सारी स्टडी। इंडियन विलेज सिस्टम पढ़ना है हमने कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है विलेज स्टडी का, क्यों पढ़ने चाहिए, कैसे एग्रेरियन रिलेशंस रहते थे, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जब हुई तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वेस्टर्नाइजेशन हुई तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, संस्कृताइजेशन हुई तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। सो इंडियन विलेज सिस्टम्स को पढ़ना पड़ेगा। लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अगर आज एग्जिस्ट करती हैं तो उनका स्टेटस कैसा है, अगर वो आज एग्जिस्ट करती हैं तो क्या वो थ्रेटन्ड हैं, अगर वो थ्रेटन्ड हैं तो सरकार ने क्या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया या नहीं किया, हमें ये सारा कुछ समझना पड़ेगा। सो एक्सोजीनियस प्रोसेस ऑफ सोशो कल्चरल चेंज इन इंडियन सोसाइटी, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, हमने सब चीज़ें कवर करनी है यार, एंड टू एंड एवरीथिंग। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल्स, ट्राइबल सिचुएशन कैसी है, जितना भी आपका सोशल इश्यूज वाला पार्ट है ना, सारा का सारा ट्राइबल वाला वो यहाँ पर कवर होने वाला है। एंड टू एंड बहुत डिटेल में जाने वाले हैं हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में, हमने देखना है कि भाई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हुए हैं या नहीं हुए, अगर हुए हैं तो क्या उनका कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनकी वजह से हुई है। एनीबडी हु कैन गिव मी एन एग्जाम्पल, ये वाली लाइन पढ़ो, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन अंडमान एंड निकोबार, एनीबडी एल्स, नर्मदा एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NADP, राइट। तो जब वहां पर सरकार ने डैम्स बनाने शुरू कर दिए, सरकार ने बोला कि भाई मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करनी है, डैम्स बनाने पड़ेंगे, डैम्स बनाने शुरू कर दिए, रिवर के आसपास सारी ट्राइब्स रह रही थी, सारी की सारी ट्राइब्स को क्या करना पड़ा, डिस्प्लेस, वो ट्राइब्स जो अपने जंगलों को ही अपना घर मानती हैं। सो इन दैट केस इस ट्राइब की क्या गलती है फिर, इस ट्राइब ने ना तो डेवलपमेंट मांगी थी, इसको चाहिए नहीं थी डेवलपमेंट, देवर वेरी हैप्पी इन देयर ओन वे ऑफ लाइफ। तो सरकार ने जो इम्पैक्ट किया सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आया, ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आया, उसके इम्प्लीकेशंस इन लोगों के लिए क्या रहे, वो भी हमने इसमें ही कवर करने हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड डेप्रीवेशन ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट, वो भी यहाँ पर कवर करेंगे बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली। सोशल चेंज, कॉन्टेम्प्रेरी ट्राइबल सोसाइटीज़, वी विल कवर कॉन्सेप्ट ऑफ एथनीसिटी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री में, जहाँ पर भावनाएं हैं रीजनलिज्म की, एथनोसेंट्रिज्म की, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड अदर रिलीजन ऑन ट्राइबल सोसाइटीज स्पेसिफिकली, वो यहाँ पर कवर करेंगे। ट्राइब एंड नेशन स्टेट्स, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑन हाउ ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज लिव, डिफरेंसेस क्या हैं,
यहाँ पर आके लगभग आपका सिलेबस जो है वो एंथ्रोपोलॉजी का खत्म होगा, राइट। सो द ओनली आइडिया ऑफ मी कमिंग हेयर एंड टॉकिंग टू यू गाइज टूडे, पहली बात मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट शेयर करने वाला हूँ। हमारा जो बैच है, बैच कब शुरू होने वाला है, एनीबडी हु नोस? किसी को डेट दी है अभी तक ऑलरेडी इन लोगों ने? नोबडी हैज गिवन यू एनी डेट? लेट मी टेल यू, द डेट इज 26th of June। कुछ ऑप्शंस थोड़े से जल्दी शुरू हो रहे हैं, बट आई हैव अ फैमिली इमरजेंसी, तो मेरा जो ऑप्शन होगा एंथ्रोपोलॉजी, वी विल बिगिन इट ऑन 26th of June, विच इज आई सपोज मंडे। एक बार चेक करना, शायद मंडे ही है क्या? मोस्ट लाइकली यस, इट इज मंडे। सो अगले से अगले हफ्ते हमारा ऑप्शन शुरू हो जाएगा। 26th of June, एज आई टोल्ड यू, टाइमिंग्स विल बी 2:30 to 4:30 PM। इस पॉइंट के बाद आपने अगले 15 दिन क्या करना है? द बिगेस्ट हेल्प दैट यू कैन गिव टू मी एंड टू योर सेल्फ इज, आपको सिलेबस ना बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कहाँ पर क्या चीज़ मैंशनड है, राइट। यू शुड स्पेंड एटलीस्ट 3 to 4 hours ऑन द सिलेबस। जितना भी डाउट हैं एक एक टॉपिक को लेकर, अभी आपको सिलेबस पढ़ते हुए समझ में नहीं आने वाला कुछ, राइट, देर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है, ये 5 चीज़ें जो हमने आज नोट डाउन करी हैं, इनके हिसाब से आपको बाइफर्केशन एटलीस्ट आनी चाहिए, इतना समझ लेना है बस, राइट। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है आप वो ज़रूर थोड़ा सा करके रखना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, सिलेबस को पढ़ना है और देखना है कि यार कुछ आ भी रहा है सिलेबस में से, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आपकी 90% वरी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, एंड देन व्हेन वी विल मीट ऑन 26th of June, बाकी सारे प्रॉब्लम्स आपकी उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माई गाइडेंस विल बी देयर फॉर दी ऑप्शनल, बट ऐसा नहीं होगा, इट विल ओनली बी लिमिटेड टू दी ऑप्शनल। तो जिस भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हम होंगे वहां पर किसी भी तरह की कोई भी हेल्प हो पाएगी, आई विल गो बियॉन्ड व्हाट आई कैन डू एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद दैट, राइट। पीडीएफ जो आपको मिलेंगी वो आपको पोर्टल के ऊपर भी मिलेंगी, आई विल ट्राई कि वो आपको आपके ग्रुप्स में भी मिलें। पीडीएफ के आपने प्लीज ऐसा मत करना कि आप पीडीएफ को लाइटली लो। पीडीएफ के अगर आप फिजिकल कॉपीज रखना चाहते हो तो फिजिकल कॉपीज को इमीडिएटली गेट देम प्रिंटेड, उनको साथ साथ नोट्स के लगाते रहना, साथ साथ पढ़ते रहना। सिंस इट विल बी ओनली 5 days a week, आपके पास 2 पूरे दिन होंगे कुछ टास्क करने के लिए, तो मैं आपको उसमें कुछ कुछ छोटे मोटे टास्क दिया करूँगा, कुछ कुछ आर्टिकल्स दिया करूँगा, बस आप वो पढ़ के आया करोगे। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस दैट। कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करना है, बिना किसी टेंशन के कवर करना है, रिलैक्स्ड माइंड से कवर करना है, कंपेरिजन नहीं करना किसी और चीज़ के साथ, इसके साथ इसको अपने एक जोन में रखेंगे। 4-5 months आराम से वी विल स्पेंड ऑन दी ऑप्शनल, राइट। उसके बाद टेस्ट का जो सिस्टम रहने वाला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले 1.1, 1.2, 1.3 करना है, एज सून एज आई फिनिश दीज 3 यू विल बी गिवन अ टेस्ट, राइट। तो हमने टेस्ट ऐसा नहीं करना कि 10 क्वेश्चन नहीं, हमने 3 से 4 क्वेश्चंस जो इस टॉपिक के लिए रेलेवेंट निकल के आएंगे वो 3 से 4 क्वेश्चंस लिखने हमने शुरू कर देने हैं। हमने ये वेट नहीं करनी कि पूरा पहले खत्म हो जाए ऑप्शनल उसके बाद हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, नहीं, हमने साथ साथ आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग के साथ साथ ही मेरी डिमांड आपसे रहेगी कि डायग्राम्स को इंक्लूड करो, मैप्स को इंक्लूड करो, राइट, फ्लो चार्ट्स को इंक्लूड करो, तो वो इंप्रूवमेंट मुझे करवानी ही है आपसे। अगर वो आप अपने आप नहीं करोगे फिर मैं थोड़ी सी ज़बरदस्ती करवाऊँगा, राइट। बट अगर ये ऑप्शनल लिया है तो मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, राइट, पूरे मार्क्स देने हैं। टारगेट इज गोइंग टू बी 300+, प्लान इज गोइंग टू बी 300+, सिलेबस के अंदर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगी जो हम नहीं कवर करेंगे, एवरीथिंग विल बी देयर इन योर नोट्स, राइट। बस उसके बाद आपकी रिविजन और आपकी कमिटमेंट टू योर सक्सेस, टू योर ड्रीम विल बी समथिंग दैट यू विल बी देयर फॉर। मेरी कमिटमेंट सिलेबस को लेकर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर रहने वाली, डन। At this point, you can ask me as many questions as you want. सवाल करो जो माइंड में अगर आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मुझसे पूछो, डिस्कस करो, एंड देन वी विल कॉल इट अ डे, एंड देन वी विल मीट ऑन 26th of June। कोई भी क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, पीपल हु आर कनेक्टेड ऑनलाइन यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। देखो 2 घंटे की तो क्लास हुआ करेगी। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा प्लान रखेंगे, हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर में नहीं डालना है इनिशियल फेजेस के अंदर।
इनिशियल जो पहले 10-15 लेक्चर्स होंगे ना, वो वैसे भी दे आर गोइंग टू बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. उसमें आप बहुत ज़्यादा मुश्किलों में नहीं पढ़ोगे, बिकॉज हम बहुत बेसिक्स पे आने वाले हैं. सो 1.1, 1.2, 1.3 जब कवर करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो वहाँ पर आप अगर 2 घंटे क्लास में लगा रहे हो, 2 घंटे के साथ अगर आप 2 घंटे घर पर लगा सकते हो, गोल्डन सिस्टम हो जाएगा वो तो, राइट. वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा. बट देन इफ नॉट 2 आवर्स, एटलीस्ट 1 घंटा तो आपको लगाना ही पड़ेगा, बेयर मिनिमम. इनिशियली स्लोली ये जो टाइम है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, स्लोली, इनिशियली नहीं, एकदम से नहीं, बट धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाएंगे. फॉर एग्जाम्पल जब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आएंगे तो आपको रिविजन थोड़ी सी घर पर जाकर करनी पड़ा करेगी, राइट. बिकॉज जो प्रीवियस लेक्चर होगा वो अगले लेक्चर के साथ कनेक्शन जो होगा वो अच्छा होना चाहिए. अगर कनेक्शन अच्छा होगा तो हमें बहुत आसानी से समझ में आएगा. बट जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, यू ऑलरेडी स्पेंट अनफ टाइम विद मी, तो आपको पता है कि आई ऑलवेज ट्राई टू कीप कनेक्शंस. तो आई विल ऑलवेज ट्राई कि लेक्चर 1 शुड मैरी लेक्चर 2, मेरी तरफ से कोशिश रहेगी. बट अगर आपकी रिविजन भी रहेगी तो वो और ज़्यादा ईजी कर देगी सिस्टम. डन. एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? बिल्कुल बिल्कुल. टेस्ट आपके चलते रहेंगे टिल योर पेपर ना, टेस्ट आपके चलते रहेंगे, टेस्ट खत्म नहीं होंगे. वीकली नहीं लेंगे यार, वीकली विल बी टू सून. एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, हमने फिर प्लान क्या करना होगा, 3 महीने पहले प्रीलिम्स से मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला, राइट. 3 मंथ्स आई वुड वॉन्ट. अगर जून में पेपर है, पिछले अगली बार जून में ही है ना, 26 मई है पेपर. तो मार्च, अप्रैल, मई, और इससे पहले क्या आएगा, फरवरी. मैं चाहूँगा कि फरवरी के बाद मैं आपको मिनिमम परेशान करूँ, राइट. फरवरी से पहले पहले मैं आपका थोड़ा सा आपको परेशान करूंगा, बिकॉज मैं मान के चल रहा हूँ अगर नवंबर में ख़त्म होता है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने में मैं आपके थोड़े से टेस्ट आपको रेगुलरली दिया करूंगा. 15 डेज में एक अच्छा टेस्ट आपको दिया करूंगा. 15 दिन में आप आओगे, टेस्ट दोगे, टेस्ट सबमिट करोगे, मुझसे लेकर जाओगे, डिस्कशंस करोगे, आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट करोगे. फिर उसके बाद आप प्रीलिम्स की तरफ हो जाओगे, पूरे 3 से 4 महीने डेडिकेटेड टुवर्ड्स प्रीलिम्स. और जैसे ही फिर प्रीलिम्स खत्म होगा फिर मेरे पास आओगे और हम फिर आपके मेंस के लिए बैठेंगे. और मेंस को कैसे अप्रोच करना है, मेंस के लिए क्या आंसर्स लिखने हैं, हम उसके ऊपर चलेंगे. डन. बहुत सिंपल, बहुत क्लियर अप्रोच है, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रखनी हमने. और इसको इतना ज़्यादा टफ, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बना देना. ऑप्शनल की क्लास ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसमें ना आप लोग अपने सारे दुख दर्द कहीं और छोड़ के आओ, राइट. GS, आई नो, आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी. GS बहुत बोरिंग हो जाता है कई बार. ऑप्शनल आपके लिए एक ब्रीदर होना चाहिए कि वाह यार, अब GS पढ़ पढ़ के थक गए, ऑप्शनल पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. इट शुड बी अ पॉइंट ऑफ रिलैक्सेशन फॉर यू. ये आपके लिए स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ऑप्शन, राइट. वही ऑप्शनल चूज करेंगे हम जिसमें हमें रिलीफ मिले, ईजीनेस मिले, रिलैक्सेशन मिले, राइट. स्ट्रेस नहीं लेना, पहले ही बहुत है स्ट्रेस, तो प्रीलिम्स का, कभी सी सैट का, कभी कुछ का. तो एटलीस्ट ऑप्शनल वैसा चूज करेंगे जो ईजी रखे माइंड को. डन. और कुछ? येस, डेफिनेटली अनन्या, ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल ऑल्सो भी गिविंग द टेस्ट, वो तो होगा ही. आप लोग, बस इतना फ़र्क होगा कि आप लोग जो मुझे टेस्ट के आंसर्स इवेल्यूएट करने के लिए देंगे वो आप मुझे PDF फॉर्म में दिया करेंगे. दैट इज़ दी ओनली डिफरेंस. सर, कैन यू प्लीज टेल द डिटेल्स ऑफ नेक्स्ट इवनिंग GS फाउंडेशन बैच? अर्जुन, आई वुड लव टू गिव यू दोज डिटेल्स, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अवेयर. मुझे इतना ज़रूर पता है कि 13th, विच इज़ टुमारो, देर इज़ अ बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 11 to 2 PM. मुझे इतना ज़रूर मालूम है, बट इवनिंग बैच कब शुरू हो रहा है दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ. सर, हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर गोइंग टू हैपन? मॉड्यूल्स में आप मान के चलिए, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट 4 and a half months, तो आप लगा के चल लीजिए 5 महीने, 5 क्लासेस 1 वीक में रहने वाली हैं, तो 5 into 4, 4 हफ्ते होते हैं, 20 into, लगभग आप मान के चलिए यार 120 लेक्चर्स के आसपास होना चाहिए, 120 लेक्चर्स के आसपास होना चाहिए. सर, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड इन्वेस्टिंग इन प्रीलिम्स फॉर 4 to 5 hours एंड आई एम गुड एट सी सैट. सर, वॉट शुड बी माई स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शनल एंड मेन्स फ्रॉम नाउ? सुभाष, आई थिंक इट इज़ गुड दैट वी बोथ कैन कनेक्ट सेपरेटली. आई विल गिव यू यू नो माई वैल्यू सम वैल्यूएबल फीडबैक विच कैन हेल्प यू. एक बार आप मुझसे अलग से कनेक्ट कर लीजिए. सर, एनी बुक डू वी नीड टू फॉलो ऑन योर ऑन आर ओन और NCERTs? वेरी गुड क्वेश्चन. बुक लिस्ट क्या करनी है हमने? बुक लिस्ट में ना यार देखो, बहुत कन्फ्यूजन है. फॉर एग्जाम्पल, पेपर 1 की अलग लेवल की बुक लिस्ट है, पेपर 2 की अलग लेवल की बुक लिस्ट है. बुक लिस्ट से बेटर क्या होगा? मैं क्या कर रहा हूँ ना, पिछले आई थिंक व्हाट 2 to 3 years से एंथ्रोपोलॉजी में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है कि मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ चीज़ें, राइट. सो
उसकी वजह से व्हाट आई हैव बीन एबल टू डू इज, जो मेरे नोट्स बने हुए हैं ना, जो मैं आपको लिखवाऊंगा भी, जिसके मैं पीडीएफ्स भी दूंगा आपको, उसमें मेरा, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज़ क्या हो चुकी है कि आई हैव बीन एबल टू इंटीग्रेट अ लॉट ऑफ सोर्सेज देयर. बट उसके अंदर ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके अंदर मैं चाहूँगा कि आप नोट्स के अलावा भी ना कुछ चीज़ें पढ़ो. तो जो मैं आपको पीडीएफ्स बोल रहा हूँ ना, वो पीडीएफ्स वो बुक लिस्ट के अंदर से ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लग रही है ना, जो मैं चाहूँगा कि आप पढ़ो, वो मैं उनमें से ही आपको फर्निश करके देने वाला हूँ. सो आई डोंट वॉन्ट एट दिस स्टेज आप किसी बुक के बारे में सोचो, समझो और कुछ पढ़ो. मेरे लिए उतना बहुत बेटर होगा कि अगर आप एक ब्लैंक स्लेट बन के आओगे, मेरे लिए इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज देन आई विल बी एबल टू मोल्ड योर माइंड, राइट? आई विल बी एबल टू टेक यू टू अ जर्नी विच विल बी ईजियर फॉर बोथ ऑफ अस. अदरवाइज अगर आप पहले ही कुछ प्री प्लानिंग करके चलोगे, तो उस प्री प्लानिंग को मुझे पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर आपको ब्लैंक करके फिर से आपको जर्नी के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज़ वॉट माई पॉइंट इज. बुक लिस्ट के अंदर कुछ चीज़ें होंगी, कुछ मैं आपको रेफरेंस मटीरियल बताऊँगा, वो आप पढ़ोगे, बट जब मैं बताऊँगा आपको, आप तब पढ़ लिया करोगे. डन? एनी अदर डाउट? ऑल गुड? सुभाष, फिर तो आप परफेक्ट कैंडिडेट हो मेरे लिए. इफ यू आर ब्लैंक, बहुत बढ़िया चलेगा फिर सिस्टम. डन गाइस? सो आई विल कैच यू ऑन 26th of June. नाउ 26th of June से हम शुरू करेंगे अपनी क्लासेस. इट विल बी मंडे. टाइमिंग ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ, 2:30 PM. फर्स्ट जो लेक्चर्स होंगे, फर्स्ट 5-6 लेक्चर्स, दे विल बी वेरी बेसिक, वेरी इजी, बट प्लीज़ मिस मत करना एक भी लेक्चर. एज आई टोल्ड यू, लगभग 80 मार्क्स का जो फंडामेंटल्स हैं उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं हर साल. तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, आप मेरी इस बात को याद रखोगे. डन? थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. सर प्लीज़ शेयर योर ईमेल आईडी. डेफिनेटली, अगर किसी को ईमेल आईडी चाहिए, सो दिस इज़ माई ईमेल आईडी. दीक्षांत शर्मा 1527@gmail.com. और अगर शायद मैं नाम बताना भूल गया हूँ अपना, माय नेम इज दीक्षांत शर्मा, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग प्रेजेंट. मिलेंगे 26th को एंड वी विल बिगिन आवर जर्नी. थैंक यू. बाय बाय. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनीथिंग स्पेशल और एनीथिंग स्पेसिफिक that you want to talk about, I'm still here. आप मुझसे पूछ सकते हो. Otherwise, now you have my email ID. If you have any doubt, if you have any concern, आप मुझे email भी कर सकते हो. सर आपके बारे में कुछ, यार मन की बात, वैसे मैं सोच रहा था सुभाष फर्स्ट लेक्चर में करते तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे. मन की बात अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा करना. बट इफ देर इज स्पेसिफिक समथिंग दैट यू वॉन्ट टू आस्क मी, आप पूछ सकते हो मुझसे. आज तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इंडक्शन है ना, सो आई थॉट लेट अस कीप इट वेरी प्रोफेशनल. थोड़ा सा फिर मन की बात फर्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. टेक केयर गाइज. आई एम नाउ क्लोजिंग दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. विल सी यू ऑन 26th of June. नाउ थैंक यू. बाय बाय. रिकॉर्डिंग.